डियर स्टूडेंट्स, आज हम एयर वोर्टेक्स स्पिनिंग के बारे में पढ़ाएंगे। कि जो एयर वोर्टेक्स स्पिनिंग है, ये भी ओपन एंड स्पिनिंग का एक सब पार्ट है। और ओपन एंड स्पिनिंग में जितने भी प्रोसेस हैं, रोटर स्पिनिंग, फ्रिक्शन स्पिनिंग और जो डिस्क स्पिनिंग, ये बहुत सारे जो प्रोसेस हैं, ये सारे प्रोसेस के अलावा एक एयर वोर्टेक्स स्पिनिंग भी इसका पार्ट के रूप में आता है। तो हम आज इसको स्टडी करने जा रहे हैं। इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है? इसमें यान जो बनता है वो एयर वोर्टेक्स ट्यूब में बनता है। जो एक नंबर एयर वोर्टेक्स ट्यूब है, इसमें यान बनेगा। इसमें क्या है, एक बैकअप सोर्स है 6 नंबर, जो एयर को खींच रहा है। और एयर को खींच किस तरीके से रहा है, ये 2 नंबर स्लॉट्स है। ये 2 नंबर स्लॉट्स में क्या है, इनके माध्यम से एयर को खींच रहा है। जैसे एयर इंसर्ट, एयर अंदर घुसती है 2 नंबर स्लॉट से, तो एयर ऊपर के डायरेक्शन में भी जाएगी, नीचे की भी डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे एक स्पाइरल लगा हुआ है, स्पाइरल जो इस तरीके का है। जब एयर ऊपर की तरफ जाती है तो ये स्पाइरल से होके निकलती है। स्पाइरल क्या करता है, एयर को एक रोटेटिंग मोशन दे देता है, सर्कुलर स्पाइरल मोशन दे देता है। तो बहुत हाई स्पीड में जो स्पाइरल मोशन जब देता है, क्योंकि ये बैकअप जनरेटिंग पंप जो है बहुत अच्छे से एयर को खींच रहा है, तो इसे जो सर्कुलर स्पाइरल मूवमेंट मिलेगा। अब ये एयर ऊपर तक जाती है, 3 3 नंबर क्लोज्ड सील है, इसके बाद ऊपर एयर नहीं निकल पाती, तो फिर से रिटर्न बैक आती है। और फिर इसके बाद ये बैकम बैकम के अंदर चली जाती है, और फिर इसके बाद फिर से वही है। तो जो स्पायरल जो मूवमेंट है एयर का, एयर के स्पायरल मूवमेंट के कारण इसमें क्या है, जो जो भी चीज इंसर्ट की जाएगी, हमने ऊपर से यार्न इंसर्ट किया, पहले से प्री मेड यार्न इंसर्ट किया, तो ये स्पाइरल मूवमेंट के कारण ट्विस्ट होने लगा और ट्यूब के सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के कारण ट्यूब के लास्ट में आ गया। 4 नंबर क्या है, फाइबर फीडिंग असेंबली है। यहाँ से फाइबर जैसे फीड किए जाते हैं, एयर का मूवमेंट स्पाइरल है, ये फाइबर एयर के मूवमेंट के कारण सर्कुलर मोशन में घूमने लगते हैं। और यहाँ ब्रश टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जो प्रीवियसली मेड यार्न है उसका ब्रश टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये ट्विस्ट भी हो रहा है ड्यू टू स्पायरल मूवमेंट ऑफ एयर। तो ये क्या है, इन फाइबर को अपने अंदर ग्रास्प कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, और यहाँ पे जो ट्विस्टिंग होके ये फाइनली यार्न ऊपर निकल जाएगा डिलीवरी रोलर में, फिर इसके बाद क्रॉस बाइंड पैकेज पे बाइंड होके ये अपना यार्न बन जाएगा। तो ये हमारा एयर वोर्टेक्स स्पिनिंग का मेथड है। मशीन के स्पेसिफिकेशन क्या थे, 192 पोजीशन की मशीन थी, डिलीवरी स्पीड 100 से लेकर 150 मीटर पर मिनट है, रॉ मटेरियल सिंथेटिक फाइबर 40 से 50 mm के हम यूज कर रहे थे, काउंट रेंज हमारी 7.5 से 30 काउंट बनाया जा सकता है। अब फीडिंग हम ड्राफ्ट फ्रेम स्लाइवर की करते हैं, और जो यान का टाइप है कन्वेंशनल सिंगल यान बनता है। यान के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लो स्ट्रेंथ, ट्विस्ट वेरिएबिलिटी और रफ सरफेस है। और एंड यूज क्या है, बोवन गुड्स में हम कर सकते हैं। एडवांटेज है नो रेपिडली, इसमें कोई भी हाईली रोटेटिंग पार्ट नहीं है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज। स्पेशल फीचर क्या है, कॉटन स्पन नहीं की जाती है, जा सकती है, सिंथेटिक के लिए ही प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्वालिटी का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, इसलिए कॉटन को हम स्पन नहीं कर सकते। इसमें क्या है, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एयर के थ्रू ये फाइबर रोटेट हो रहे हैं, तो जो फाइबर का कन्फिग्रेशन है वो करेक्ट स्टेट कन्फिग्रेशन होना बड़ा मुश्किल है। इससे जो यान की स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, यान की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं आ पाती, क्योंकि फाइबर का कन्फिग्रेशन स्टेट नहीं है अलोंग द यान एक्सिस। दूसरी डिफिशियंसी क्या है, जो ट्विस्ट है, ट्विस्ट यान का में जो ट्विस्ट है पड़ता है वोर्टेक्स के कारण, वो कॉन्स्टेंटली नहीं पड़ता है। जितना वोर्टेक्स के कारण यान ने ग्रास कर लिया, तो ट्विस्ट में वेरिएबिलिटी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो एडवांटेज क्या है कि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, तो इससे मशीन में
हीटिंग और साथ साथ पावर कंजम्पशन कम है, ये एडवांटेज है। कॉमर्शियलाइजेशन, इसका जो कॉमर्शियलाइजेशन है, बहुत सारे कंपनी ने, गॉड्स एंड लॉर्ड ने बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन प्रॉपरली कॉमर्शियलाइजेशन इसका नहीं हो पाया और इंडस्ट्रियल सक्सेस उतनी इसको नहीं मिल पाई इस प्रोसेस को। थैंक यू। एयर बोटेक्स इस पर कंप्लीट होता है यहाँ।